हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपनी इस वीडियो में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो पुराने इनवॉइसेस पर क्रेडिट छूट गया है या फिर कोई करेक्शन या एरर है पुराने इनवॉइसेस में जो कि 2017-18 से रिलेटेड हैं, उसका क्रेडिट अवेल करने के बारे में जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू किया है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, आप कैसे क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे और किन कंडीशन में आप क्रेडिट नहीं ले सकते, आइए समझते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लास्ट ईयर का क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड एज़ पर लॉ सितंबर 2018 की रिटर्न थी जो कि 20th अक्टूबर है। तो लोगों ने 20th अक्टूबर तक काफ़ी इनवॉइसेस का क्रेडिट लिया, लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे थे जो कि डेडलाइन को मिस कर गए या उनको कन्फ्यूजन रहा क्रेडिट लेने के बारे में, तो इस केस में उनका क्रेडिट काफ़ी लूज़ हो गया। लेकिन अब 3-4 महीने बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ लोगों को रिलीफ दिया जाए इसके अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है जिस ऑर्डर में कुछ कंडीशंस दी हैं जिन कंडीशन के बेस पे आप अपना क्रेडिट अभी भी 31 मार्च 2019 तक ले सकते हो। यानी ये डेट पहले जो सितंबर 2018 थी उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है। तो यानी आप उसका क्रेडिट 20 अप्रैल 2019 तक ले सकते हैं, क्योंकि मार्च की GST R3B जो आप फाइल करोगे 20 अप्रैल 2019 तक फाइल करोगे। तो अब कौन कौन सी कंडीशन है जिनके बेसिस पर आप क्रेडिट ले सकते हो। पहली कंडीशन ये है कि आपको जो क्रेडिट अवेल करना है वो मार्च 2019 तक की रिटर्न में अवेल कर लेना है जो कि GST R3B की ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2019। यानी नेक्स्ट ईयर एंड तक आप उसका क्रेडिट अब क्लेम कर सकते हो जो कि सितंबर आपको पहले बताया गया था, अब डेट बढ़ा दी गई है। दूसरा, जो कि सप्लायर है उसने सप्लायर ने भी वो इनवॉइस अपलोड कर दिया हो उस इनवॉइस की डिटेल अपने GST R1 में, यानी जब तक वो GST R1 में रिपोर्ट नहीं करेगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो GST R1 में उसको अपडेट कर देना है, कब तक, उसका टाइम पीरियड भी मार्च 2019 दिया गया है। यानी GST R1 की जो ड्यू डेट है वो 11th अप्रैल 2019 है, तो उस डेट तक उसे सप्लायर को उस इनवॉइस को अपलोड कर देना है जिसके बेस पर आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो आपको वो क्रेडिट अवेल हो जाएगा। इसी के साथ ऑर्डर नंबर 2 बात करता है जो कि आउटवर्ड सप्लाई कब तक रिपोर्ट की जा सकती हैं। इससे पहले हमने जो बात की अभी वो इनपुट क्लेम करने की बात की है, हम जब बात कर रहे हैं अब ये आउटपुट की बात कर रहे हैं जो रिपोर्टिंग पार्ट है आउटपुट के लिए। तो इसी इशू को साथ में जो सेक्शन 37 है CGST एक्ट का, उसमें आउटर लिमिट जो प्रोवाइड की गई थी अप्लाई करने की वो भी सितंबर थी कि सितंबर तक वो रिपोर्ट किए जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के। तो इसमें डिपार्टमेंट ने सेक्शन 37 के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया है जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी एरर या ओमिशन आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो कि 17-18 यानी 17-18 से रिलेटेड है उसको, या फिर जो कि आपने सितंबर 2018 तक आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट नहीं की लास्ट ईयर की, उसको भी आप 31 मार्च 2019 तक रिपोर्ट कर सकते हो। और जिन लोगों की क्वार्टरली रिटर्न जाती है वो अपनी इन सप्लाईज को रिपोर्ट कर सकते हैं जनवरी 19 से मार्च 19 तक के जो क्वार्टर की रिटर्न जाएगी उसके अंदर। यानी रिपोर्टिंग टाइम भी 37 में बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो इनवॉइस आपका लास्ट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन एक नोट करने वाली बात एक और है जो कि सेक्शन 34 CGST एक्ट का है, उसको अमेंडमेंट नहीं किया गया है। जो सेक्शन 34 है वो आउटर लिमिट प्रोवाइड करता है क्रेडिट नोट इशूज करने की, यानी क्रेडिट नोट जो इशू करने की टाइम पीरियड है वो 34 सेक्शन में बताया गया है और 34 में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया। अमेंडमेंट किया गया 37 में, वहाँ पे प्रोवाइजो ऐड की गई है, तो यहाँ अमेंडमेंट नहीं किया गया। तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है कि आप पिछले साल से रिलेटेड यानी 17-18 से रिलेटेड कोई भी न्यू क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोवाइजो ऐड नहीं किया गया। क्रेडिट नोट और इनवॉइसेस जिनकी डेट सितंबर 2018 से पुरानी है बट वो रिपोर्टिंग से मिस हो गए हैं उनको आप मार्च 2019 तक ही रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पुराने इनवॉइसेस में अमेंडमेंट किया जा सकता है, नया कोई इनवॉइस नहीं जनरेट किया जाएगा, नया कोई क्रेडिट नोट पुराने से रिलेटेड नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप नई डेट का क्रेडिट नोट नहीं दे सकते, ये केवल अमेंडमेंट जो हुआ है जो पुराने से रिलेटेड है, जो आपने पुरानी डेट में इशू किया हुआ है वो आप रिपोर्ट करने से छूट गया है या उसका क्रेडिट लेने से छूट गया है, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ाकर अब 31 मार्च 2019 कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है, जिन लोगों का क्रेडिट लूज़ हो गया है क्योंकि डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, डेट छूट गया था, तो वो लोग अभी भी क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इससे काफ़ी बड़ा लॉस जो लोगों का हो सकता था वो बच जाएगा, तो डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा मूव है।
तो इसका हमने डिटेल एनालिसिस आपको सामने करके दिया है, जिससे आपको पता रहे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसी तरह के डिटेल एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु के साथ, और हमें सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।